अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स के हवाले से बात करने, काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं हो रहे थे। वजह ये थी कि बीएस केमिस्ट्री के एग्ज़ाम चल रहे थे, मिड टर्म एग्ज़ाम। तो चूंकि पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर में 3 BS प्रोग्राम शामिल हैं, इस क्लास में एक केमिस्ट्री है, एक मैथ्स है और एक इस्लामियात। तो चूंकि BS मैथ्स के पेपर चल रहे थे, इसलिए क्लास जो है, एक तो मतलब कि 3-4 दिन जो हैं लेक्चर्स जो हैं वो स्किप हुए। लेकिन अब हम चूंकि उनके एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, तो मतलब कि अब हम शुरू करते हैं दोबारा से अपना सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था। अब जी, सिलेबस चूंकि मैंने मेरे सामने है, सिलेबस में जो टॉपिक हमारा रह गए हैं वो सिर्फ तकरीबन एक या दो टॉपिक्स हैं। उसमें जो बुनियादी जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, कि पाकिस्तान की माशियत क्या है, उसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन शोबों से मिलकर, यानी कि ज़राअत, सनअत, पाकिस्तानी माशियत में क्या क्या खराबियां हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर पाकिस्तान में कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं और उन मसाइल को क्यों नहीं बरवेकार लाया जा रहा, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की करे। अब किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज होता है, अगर उसको जांचना हो तो हम उसकी माशियत को देखते हैं आजकल के दौर में। जिस तरह अगर मिसाल लें, हम अमेरिका की मिसाल लें, अगर हम चाइना की, तो चाइना को अगर हम नंबर वन या अमेरिका को अगर हम नंबर वन क्यों कहेंगे, तो हम उसको नंबर वन इसलिए कहेंगे कि उसकी इकोनॉमी जो है वो बाकी कंट्रीज जो ऑफ दी वर्ल्ड हैं उनसे ज़्यादा है, मतलब कि बेहतर प्रोग्रेस कर रही है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वाफर उनके मकदार में उनके पास वसाइल हैं, उनकी जो आमदनी है वो वाफर है, उनके पास जो रिजर्व्स हैं पैसे के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को तो वो पूरा कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो दूसरे भी कंट्रीज़ की हेल्प भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, या मतलब कि लोन दे देते हैं। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो निसार है वो उसकी माशियत पे होता है। तो पाकिस्तान जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, कुदरती वसाइल के लिहाज से अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन चूंकि यहाँ पर माशी मनसूबा बंदी नहीं है और यहाँ पर की आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इन दो वजूहात की वजह से पाकिस्तान जो है वो गरीब मुल्कों की सफ में शामिल है। अगर हम मुनासिब मनसूबा बंदी करते और आवाम पढ़ी लिखी होती, मतलब कि उनको पता होता कि अपनी इकोनॉमी को हमने कैसे बेहतर बनाना है, वो कोई स्किल्स होते हैं उनके पास, तो आज जो मुल्क पाकिस्तान जो है वो गरीब मुल्कों की लिस्ट में ना होता, बल्कि अमीर मुल्कों की लिस्ट में होता। जैसा कि मलेशिया है, मलेशिया पाकिस्तान 1960 में जिस सतह पर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रीज लग रही थी, एग्रीकल्चर में मतलब के तरक्की हो रही थी, तो मलेशिया पाकिस्तान का मॉडल कॉपी करके लेकर गया था और बाद में वो मलेशियन टाइगर बन गया। आज मलेशिया टाइगर है, यानी कि उसकी इकोनॉमी की वजह से उसे टाइगर बोलते हैं, मलेशिया एज अ टाइगर। इसी तरह सिंगापुर भी है, वो भी पाकिस्तान से मतलब कि देखा है, श्रीलंका ने पाकिस्तान को कॉपी किया उस दौर में। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 60 की दहाई के बाद पाकिस्तान कर्जों में जकड़ता गया जकड़ता गया, और आज देखते हैं तो मुर्गो मुल्क में जो तकरीबन 35-40% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। तो ये सारी वजूहत हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पाकिस्तान थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री में बताऊं, तो पाकिस्तान उस रीजन में शामिल है जिसे अमीर दुनिया के अमीर तरीन खितों में से में सिचुएटेड है, यानी कि वाकया है, जिसे बरजगीर बोलते थे। बरजगीर को जो यूरोपी अकवाम या दुनिया के लोग उसको एज अ सोने की चिड़िया के तौर पर बुलाते थे, यानी कि जो कोई वो समझते थे कि जो पावर अब बरजगीर पर कंट्रोल हासिल करेगी
वो ही दुनिया पर रूल करेगी। इसकी वजूहात क्या थी कि यूरोप जो था गुर्बत में तो था, लेकिन साइंस में तरक्की करने की वजह से, टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की वजह से वहाँ सनती इनकलाब आया था। सनती इनकलाब से मुराद ये है कि बड़े पैमाने पर यूरोप में जो है वो सनतें लगाई गई थी। तो सनतें जो लगी थी उसको, सनत को चलाने के लिए उन्हें खाम माल की जरूरत थी। तो खाम माल जो था वो, चूंकि उस वक्त बरसगीर जो है वो जरई लिहाज से, इसी वजह से इसको गोल्डन स्पैरो कहते हैं कि कुदरती वसाइल के लिहाज से काफी अमीर था, तो सब यूरोपीय अकवाम का रुख इस वक्त बरसगीर की तरफ हुआ ताकि वहां पहुंचे, वहां कब्जा करे बरसगीर पर, और वहां से जो खाम माल है, जिस तरह जिसमें कपास है, गंदम, चावल और दूसरी पटसन, गन्ना, ये सारी चीजें, मतलब कि वहां से जो यूरोप में सनत लगी हुई है उनको प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगीज आए, वास्को डे गामा ने यहाँ पर विजिट किया, और अफ्रीका से घूमता हुआ ये बंगाल की बंदरगाह कालीकट के मुकाम पर, मतलब कि वहां पर आया, वहां पर इसने सनती फैक्ट्रियां उन्होंने पुर्तगीज ने लगाई। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद इंग्लिश पीपल आए, जो अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं इंग्लैंड के लोग आए, उन्होंने पुर्तगीज और फ्रेंच को निकाला और यहाँ की हुकूमत, जो भी हुक्मरान थे उनको शिकस्त देकर यहाँ पर काबिज हो गया। तो तकरीबन 1757 से लेकर 1947 तक तकरीबन 200 साल उन्होंने हुकूमत की, और जो यहाँ का खाम माल था, उनकी जो सारी सनतें थी वो यहाँ के खाम माल पर पलती थी। अब वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ का ये जो खत्ता है वो अभी भी अनडेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री तो नहीं ना लगी थी। यहाँ तो सिर्फ खाम माल यहाँ से ले जाया जाता था यूरोपीय ममालिक में, तो जिसकी वजह से आज भी ये खत्ता जो है वो गुर्बत में है। इसमें यूं वजह ये है कि इंडस्ट्री जो थी वो अभी भी बड़े पैमाने पर नहीं लगाई गई, ताकि यहाँ पर भी माशियत को बेहतर किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि वजूहात जो मैंने डिस्कस की थी कि एक तो मनसूबाबंदी नहीं है यहाँ इस मुल्क में, और दूसरी शरा ख्वानगी नहीं है, मतलब कि पढ़ी लिखी अवाम नहीं है। इन दो वजूहात की वजह से जो मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है, वो गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। अब वजह क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में जो माशी मनसूबा बंदी है उसमें फ्लॉज क्या क्या है, तो वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों नहीं साउंड रही। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले जो जो चीज़ है जो शामिल होती है वो है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। कोई भी माशियत को जांचना हो तो उसका पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है और नेशनल इनकम निकाला जाता है। नेशनल इनकम क्या होती है, जो प्रोडक्शन हो रही होती है मुल्क में और जो लोग खिदमात दे रहे होते हैं, इनका मजमूए इकट्ठा कर लिया जाए तो नेशनल इनकम कहलाता है, यानी कि कौमी आमदनी कितनी है। और फीकस आमदनी से मुराद ये है कि टोटल पॉपुलेशन को पूर कौमी आमदनी पर तकसीम कर दिया जाए, ऊपर कौमी आमदनी नीचे पर, कौमी आमदनी को टोटल पॉपुलेशन से तकसीम किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक शख्स का फीकस आमदनी क्या है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो किसी भी मुल्क की माशियत को डिटरमिन करती हैं। अमेरिका, अगर पाकिस्तान में देखें तो पर कैपिटा इनकम तकरीबन 1000 डॉलर्स के करीब है, और इसी तरह नेशनल इनकम के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो, मतलब कि वेरी करते रहते हैं हर हर साल, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो है लग्जमबर्ग का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे ज़्यादा इकॉनमी फास्ट है अगर पर कैपिटा इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को जांचने के लिए, असल में प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ये एक फ्लॉ है, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, इसलिए लोगों के इनकम्स को नापने में काफ़ी, जो एग्जैक्ट इनकम होती है या एग्जैक्ट पर कैपिटा इनकम होती है वो मैनुअली होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वो एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आ पाते, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मुल्क में तबकाती निज़ाम है, अमीर अमीर तर हैं, गरीब गरीब तर हैं, यानी कि अमीर अलहदा हैं, गरीब अलहदा हैं। अब पूरी, चूंकि फीकस आमदनी तो टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना होता है, तो अब इससे भी हमें पता नहीं लग पाता कि फीकस आमदनी
क्या होगी, यानी कि एक फर्द की आमदनी क्या होगी, एक फर्द को कितनी बुनियादी सहूलियात हासिल है। तो यहाँ पर फ्लॉज हैं। एक तो मुल्क में डिजिटलाइजेशन नहीं है, यानी कि इतनी स्पीडीली नहीं है, अभी ऑनलाइन काम नहीं हुआ, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, मैनुअल सिस्टम है इन चीज़ों को नापने के लिए, किनको, पीकस आमदनी को और कौमी आमदनी को। दूसरे नंबर पर तबकाती निज़ाम, तबकाती निज़ाम से मुराद अमीर और गरीब में फ़र्क, जिसकी वजह से ये दो जो है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, इन दोनों को नापने में फ्लॉ आता है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का फ्लॉ है। इकोनॉमिक प्लानिंग में ये चाहिए, जो अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि इन दोनों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन करें और मुल्क में इक्वालिटी, ये जो डिवीजंस खत्म करके, तो मुल्क को है हर एक को बुनियादी सहूलियात की फरहमी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मौके होने चाहिए, ताकि नेशनल आमदनी और फीकस आमदनी दोनों मैयर किया जा सके। दूसरे नंबर पे थी जो फ्लॉ है इकोनॉमिक प्लानिंग में, वो है शऊरी तरक्की का फुकदान है, यानी कि पाकिस्तान में जो लोग शऊर रखते हैं उनकी कमी है। शऊर किस पॉइंट ऑफ व्यू से शऊर नहीं रखते, क्योंकि उन्हें शऊर ही नहीं है कि उनको कौन सा रोजगार शुरू करना चाहिए कि उससे बेहतर आमदनी शुरू, मतलब कि वो हासिल कर सकें, या कौन सा शोबा इख्तियार करना चाहिए जिससे, क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंफ्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है। इवन जो मतलब कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, एफएससी कर रहे होते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से रह जाते हैं, तो वो फिर किसी बिजनेस की फील्ड में, मतलब कि अपने आप को हायर एजुकेशन की तरफ, CA करते हैं, BBA करते हैं, BCOM करते हैं। तो अनसर्टेनिटी है, शुरू से ही मुल्क में शऊर नहीं है कि हमने किस रास्ते पे चलना है, क्या हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये हमारी हुकूमत ने भी, और यहाँ पे जो जॉब्स का ना होना है और जो मुस्तकबिल की गैर यकीनी है, इसने पाकिस्तानी आवाम में जो शऊरी तरक्की है उसका रेट कम हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जी फिर जो है शऊरी तरक्की में ये है कि जो इसका जो फायदा है शऊरी तरक्की का, वो कैपिटलिस्ट सरमायादार उठा रहे हैं। सरमायादारों ने बहुत बड़ी बड़ी मिलने लगा रखी हैं, और जो लोग हैं उनमें ये शऊर नहीं है कि वो बजाय अपना कारोबार शुरू करें, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मिलों में अपनी सर्विसेज देते हैं कम पैसों में इन सरमायादारों को। होना ये चाहिए कि वो अपनी ताई इन कैपिटलिस्ट, इन सरमायादारों की मोहताजी खत्म करके अपना कारोबार को शुरू करें, ताकि उनमें शऊर आए कि हमने क्या करना है, हमने अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बनाना है, या किस तरह बेहतर रोजगार हासिल किया जा सकता है। अपने जो टैलेंट्स हैं उनको अपने कारोबार में लगाने चाहिए, ना कि अपनी सर्विसेज इन सरमायादारों को देनी चाहिए। सरमायादार क्या करते हैं, कम मुजरत पर लोगों की सर्विसेज लेते हैं, खुद तो उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन इन रिटर्न वो लोगों को मतलब कि उतना नहीं दे रहे होते जितना देना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पर जो है जॉब्स और स्कॉलरशिप्स में फुकदान, जॉब्स का फुकदान है और स्कॉलरशिप्स का फुकदान है, यानी कि जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब्स कर भी रहे हैं, जो मुलाजमतें लोग कर रहे हैं, इतनी तनख्वाहें उतनी मुकर्रर नहीं की जाती जिनसे उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें, यानी कि हाउसिंग की ज़रूरियात, उनकी जो है रोज़मर्रा की जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन वो क्या करते हैं फिर, अगर जब उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही तो वो फिर करप्शन करते हैं। ठीक है जी। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को मीट करने के लिए उन लोगों, हुकूमत तो उनके वज़ाइफ बढ़ाती नहीं है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाती नहीं है सालाना बेसिस पर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो फिर करप्शन करते हैं, और इस करप्शन में क्या होता है, नाअहल लोग जो होते हैं वो पैसे दे दिला कर नौकरियाँ हासिल करते हैं, और फिर पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क किया जाता है, और जो मुल्क जो है वो दिवालिया होने तक चला जाता है इनकी वजह से, करप्शन की वजह से और मेरिट ना होने की वजह से। ठीक है जी। एक ये फुकदान है। यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए कि लोगों को इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनकी तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए। आगे जी बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स नहीं है, यानी कि बरामदात और दरामदात में काफ़ी फुकदान है, काफ़ी गैप है, यानी कि
जो जिस सतह से मुल्क में बरामदात उनको कहते हैं जो बाहर से दूसरे मुल्कों से चीजें मंगवाई जाती हैं, और दरामदाद सॉरी उन्हें कहते हैं जो दूसरे मुल्कों से चीजें पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, और बरामदाद वो कहते हैं जो अपनी चीजें हम दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। चूंकि ये मुल्क में मतलब कि अब मॉडर्नाइज हो रहा है, तो मुल्क की जो है दरामदात हैं वो ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ रहा है। हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें इनफैक्ट मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और लग्जरी चीजें इंपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी आवाम। तो इस वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। एक्सपोर्ट्स में हमारी कपास, गन्ना, हमारा पटसन, हमारा जो है दूसरी चीजें जो हैं जिसमें चावल है, वीट है, ये चीजें की एक्सपोर्ट कम हो रही है। इसको भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि इन दोनों का बैलेंस हो, जितनी इम्पोर्ट्स हों उतनी ही एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है जी। और जी अच्छा जी, अगला पॉइंट है ये कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साथ हमें इन्वायरमेंटल बैलेंस भी रखना चाहिए, यानी कि सनअती तरक्की तो हो, साथ जो माहौलियाती तवाज़न है उसको भी जहन में रखना चाहिए। हमारे जो इकोनॉमिक प्लानिंग में इस चीज़ का भी फुकदान है। इंडस्ट्री तो ठीक है लगानी चाहिए ताकि इससे मुल्क की जो है माशियत बेहतर हो, कारखाने लगें, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि माहौल को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। अगर माहौल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि वहाँ से जो सनअतों से उठता हुआ धुआं जो और पोल्यूशन जो है, वो स्पेशली मतलब कि धुआं जो है पोल्यूशन वो क्या करेगी, जो तेल जलाएंगे जो धुआं उठेगा वो लोग ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या होती है, यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। किसकी वजह से? फिजा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ट्रैप कर लेती है अर्थ की हीट को, वो खला में मतलब के उसको नहीं भेजती, उसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने के बाद अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, और ये किस वजह से हो रहा है? ये इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। तो हमें इंडस्ट्री तो लगानी चाहिए, साथ साथ ऐसी पॉलिसीज भी तरतीब देनी चाहिए, साथ साथ फॉरेस्टेशन करनी चाहिए, जंगलात लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, और जो है बायोफ्यूल्स की तरफ आना चाहिए। इंडस्ट्री में ऐसा मतलब के निज़ाम होना चाहिए जिसमें कम से कम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाए, ताकि माहौल की भी तरक्की, हमारे लिए माहौल भी बेहतर नशुमा पाए। उसके साथ जी अगला, लेबर एक्सप्लाइटेशन को रोकना चाहिए। हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में लेबर एक्सप्लाइटेशन का भी, कि लोगों का लेबर का जो जो इस्तेसाल हो रहा है किनके हाथों, सरमायादारों के हाथों, उसको रोकना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो है जो मजदूरों की उजरत जो है, जो डेली वेजेस हैं, उनकी मुतय्यन करे, और हर साल महंगाई के लिहाज से मतलब कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनकी उजरत भी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो भी अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। साथ ही साथ उनके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। जखीराअंदोजी को मतलब के ना करने के लिए मुनासिब लॉज और हिकमत अमली बनानी चाहिए, और कीमतें जो कंट्रोल करनी चाहिए, कीमतों को कंट्रोल, ताकि जो अगर हुकूमत मार्केट्स का सर्वे करे तो उसको चाहिए कि जो लिस्ट जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने हर दुकानदार और हर रेडी वाले या हर मतलब के जगह मार्केट्स में दी हुई है अपनी जो प्राइस लिस्ट्स हैं चीज़ों की, उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इसकी भी मुनासिब एक्टिविटी बनानी चाहिए। ठीक है जी। लास्टली ये है कि इकोनॉमी तब बेहतर होगी कि हम अपनी पॉपुलेशन की भी बेहतर प्लानिंग करें। अगर हम फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है कि जो है आइंदा 20-25 सालों में, अभी तो 22 करोड़ आबादी है, वो तकरीबन 40 करोड़ हो जाएगी, और जो पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो इतने नहीं हैं कि इन सब की जरूरियात को मीट कर सकें। तो हमें इस वक्त इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में इस चीज़ को भी शामिल करना चाहिए कि पापुलेशन को कंट्रोल करने के बेहतर इकदाम किए जाएं। ठीक है जी।
अब हम बात कर लेते हैं कि किन चीजों से, किन शोबे हैं हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी माशियत है पाकिस्तान की, उसके बुनियादी शोबे कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर माशियत बनी है। सबसे पहले तो ज़राअत है। पाकिस्तान चूंकि ज़रई मुल्क है और ज़्यादातर जो है पाकिस्तान की जो आमदन का इनसार ज़रई आमदनी पर होता है, और पाकिस्तान के पास बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, नहरी निज़ाम है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है में जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। इसकी बुनियादी खसूसियात क्या है ज़राअत की, ज़रई शोबे की, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये मुल्क की गजाई जो नीड्स हैं इसको पूरा करता है ये शोबा। यानी कि अगर आप देखें गंदम, चावल, कपास वगैरह, गन्ना, सॉरी कपास कह रहा हूँ, गन्ना, इस तरह की चीज़ें जो है ये पाकिस्तान का जो है ज़रई जो शोबा है ये प्रोवाइड करता है, ताकि आवाम की ये जो गजाई नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। फिर ये जो ज़राअत का महकमा है ये ज़र मुबादला करवाने का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें हमारी जो कपास है पाकिस्तान की, वो सबसे दुनिया की बेहतरीन कपास जानी जाती है। साथ ही हम गंदम भी एक्सपोर्ट करते हैं, चावल, शुगर केन, तंबाकू एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने के काम आता है। और थर्ड ये है कि ज़राअत के शोबे में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी मतलब कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं। ये पाकिस्तान की जो अपनी ही पैदावार होती है, पाकिस्तान को कहीं से इम्पोर्ट नहीं करने पड़ते। चौथे नंबर पर जॉब्स का सेक्टर है कि पाकिस्तान के जो 22% से ज़्यादा की आबादी जो है वो इस मतलब कि ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, जिसमें किसान हैं, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स हैं। अगला जी पॉइंट ये है कि ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, पेशा वराना इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एरिड यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ज़राअत में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, उनको रिसर्च करवाई जाती है, और साथ ही उनको वज़ाइफ भी दिए जाते हैं ताकि वो आला तालीम के लिए बाहर जा सके। आगे जी एग्रीकल्चर बैंक्स भी हैं इसके इस शोबे की नुमाया खसूसियत में। एग्रीकल्चर बैंक्स क्या होते हैं? ज़रई तरक्याती बैंक, जो कि फार्मर्स को मशीनरी हासिल करने के लिए, काश्त करने के लिए, सीड्स के लिए, खादों के लिए मतलब कि मुनासिब कर्जे देते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए कर्जे देते हैं, ताकि वो अपना काम चला सकें, काश्त कर सकें और लाइफ स्टॉक की बेहतर परवरिश कर सकें। आसान शराइत पर कर्जे दिए जाते हैं। उसके बाद जी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पाकिस्तान ज़राअत के महकमे में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छे हैं। रेल का निज़ाम है जो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। रेल के ज़रिए जो है ज़रई अजनास से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। फिर गाँव में गाँव की सतह तक मतलब कि सड़कों का निज़ाम, एक जाल फैला हुआ है ताकि जो गांव की जो मतलब कि पैदावार है, ज़रई पैदावार है, उनको मार्केट्स में लाया जाए थ्रू रोड्स। तो ये पाकिस्तान के पास एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि रेलवे का जाल, रेलवे नेटवर्क का जाल और सड़कों का जाल काफ़ी मुफीद है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ज़राअत के शोबे में कुछ जो मसाइल सामने हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर प्लानिंग नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर, जिस तरह हमने इकोनॉमिक प्लानिंग में फुकदान है, इसी तरह ज़रई तरक्की के में भी फुकदान है, ज़राअत के महकमे में भी फुकदान है। फुकदान क्या है कि जी मतलब के जो फार्मर्स को मतलब के बुनियादी सहूलियात दिए जानी चाहिए, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी है, ट्यूबवेल्स लगाने की बात है, और ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ अगली प्रॉब्लम यह है कि मुल्क में सीम और थोर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी मुनासिब रिसर्च होनी चाहिए ताकि काश्त जो बंजर ज़मीन है उसको काबिले काश्त बनाया जा सके। डैम्स और कैनाल्स बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो कैनाल जो एग्जिस्टिंग है इनको और मज़ीद
मतलब कि बेहतर बनाया जाए, इनके जो फ्लॉज हैं इनको दूर करके, इनकी खराबियां दूर करके इनको मौसर बनाया जाए, ताकि जो पानी की जो फरहमी है वो बेहतर तौर पे फसलों को दी जा सके। साथ ही साथ एक बहुत सारी कसीर तादाद पानी की जो है वो हर साल ज़ाया हो जाती है, तो पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है। वो ना सिर्फ आपकी इरीगेशन के मतलब के मकासद पूरे करेंगे, साथ ही साथ वो आपकी बिजली की पैदावार के लिए भी काम आएंगे। अगला जी, हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज के लिए जो है मुनासिब रिसर्च होनी चाहिए। ऐसे फर्टिलाइजर लेके आने चाहिए जो मुजरे सेहत ना हो, और पेस्टिसाइड जो ऐसे लेके आने चाहिए, ऐसे मतलब कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेस्टिसाइड्स पर ऐसी रिसर्च करे कि वो जो जिस तरह टिड्डी दल है आजकल, मतलब के जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है कीड़ा, और दूसरी जो कीड़े हैं उनको मौसर खात्मा हो सके। तो अगे जी, डिफॉरेस्टेशन है पाकिस्तान में, जंगलात जो हैं वो बड़े तेजी से काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जमीन जो है वो काबिले काश्त नहीं रहती। वेजिटेशन अगर कवर खत्म कर दिया जाए, साथ ही साथ ये जो सोसाइटीज का कल्चर आजकल बन गया है, जो काश्त करने वाली जमीन पर जो लोग क्या कर रहे हैं, अब ये टाउन प्लानिंग और सोसाइटीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से काबिले काश्त जमीन जो है वो कम होती जा रही है। इस पर भी मुनासिब प्लानिंग होनी चाहिए, और रिसर्च होनी चाहिए सीड्स पर के जो ऐसे सीड्स लेकर आने चाहिए जिससे पैदावार जो है ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, उनकी गजाई ज़रूरियात को पूरी करने के लिए रिसर्च करनी चाहिए सीड्स पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीट और चावल की, गन्ने की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। अब जी हम पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, सनती शोबे को। सनती शोबा जो है वो भी किसी मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, और सोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। इसके जो हम फीचर्स, अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अगर फीचर्स पढ़ें, तो उसमें मतलब कि हमें कई किस्म की इंडस्ट्रीज नज़र आती हैं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसमें कम लेबर इस्तेमाल होती है, जिस तरह कलीन की सनत है, जिस तरह फैंस बनाने की सनत है, इलेक्ट्रिक मोटरें बनाने की सनत है, इसमें कम लेबर इस्तेमाल होती है। ऐसी सनतों को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है जिसमें ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और उसमें जिस तरह कार इंडस्ट्री है, बस इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, ये हायर वगैरह जो जिस तरह के सैमसंग एट्सेट्रा वगैरह, ये सारे ऐसी इंडस्ट्री हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। फिर डिफेंस इंडस्ट्री है जहाँ पर वेपन, असला और एमुनेशन वगैरह और मिसाइल वगैरह बनते हैं, आपके जंगी आलात बनते हैं, तो वो सारे डिफेंस इंडस्ट्री में आते हैं। अब प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं सनती सेक्टर में? ये है कि मुल्क का बैरूनी कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है कि वो नई इंडस्ट्रीज लगा सके। फिर मुल्क का बजट डेफिसिट है, यानी कि हर साल जो बजट बनता है उसमें मुल्क के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, आमदन कम है, जिसकी वजह से मुल्क के पास कम पैसे हैं कि वो इंडस्ट्रीज की तरफ अपना जो है फंड्स दे, इंडस्ट्री लगाने की तरफ। फिर साथ ही साथ अगली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर के लोग जो आते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम है तो सही लेकिन कम है। जिस तरह ये MNCs काम कर रही हैं, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, इसी तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चाहिए, ताकि मुल्क में जो है ये इंडस्ट्रीज, चूंकि मुल्क में फॉरेन डेट है, बजट डेफिसिट है, इन दोनों की वजूहत की वजह से मुल्क इस वक्त बहुत ज़रूरत में है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर इंडस्ट्री लग सके। जिस तरह अभी चाइना का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, जिसकी वजह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगेंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं और लोगों को रोजगार दिया जाता है। फिर पाकिस्तान की ये जो अहम एक प्रॉब्लम है सनती सेक्टर की, वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल कम दर्जे की है। अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी मशीनें हैं जिन पर खपत ज्यादा है, जो जिसका तेल का खर्चा या मशीन उस पर उसका जो चलाने का सिस्टम है वो उसमें काफ़ी खपत है। आसान मशीनरी होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी भी जिसमें हो और आउटपुट भी ज़्यादा हो।
आगे जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी सनअती जो सेक्टर है वो उसका में मतलब के जवाल का शिकार है। जिस मुल्क में बार बार मिलिट्री आ जाए या आए दिन मतलब के बम धमाके हो रहे हों, सुइसाइड अटैक्स हो रहे हों, या मुल्क में जो सियासी सूरत हाल धरनों की सूरत हाल हो, तो वहाँ पर क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, जो ताजिर होते हैं यहाँ से निकल कर किसी और कंट्री का रुख कर लेते हैं और मुल्क का जो बिजनेस है वो नीचे चला जाता है, मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो नीचे चली जाती है। फिर जी अगली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान चूंकि भारत के साथ पाकिस्तान की जंग है, भारत को वो रिवायती हरीफ समझता है। अगर भारत जो है अगर असलाह की खरीदो फरोख्त करता है या असलाह ज्यादा से ज्यादा खरीदता है तो पाकिस्तान पर भी लाजम हो जाता है कि वो भी नया असलाह खरीदे। इसलिए हाई डिफेंस प्रोडक्शन है हमारा, जो ज्यादातर जो आमदन के है कौमी आमदनी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो डिफेंस पर खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत है, मुल्क में की में तलीमी और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि वही पैसा उठाकर डिफेंस पर लगाया जाता है। तो ये भी वजह है कि जो जिसकी वजह से सनती सेक्टर काफी मुतासर हो रहा है। फिर मुल्क में टैक्स की चोरी है, जिसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी जो है वो मुतासर होता है। अब रेमेडीज क्या है, मतलब कि इनके हल क्या है? इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कराने, यानी कि स्ट्रक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। अवाम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दे इंडस्ट्रियलिस्ट को ताकि वो मजीद अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट को चाहिए उनके ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करे, उनको सहूलियात दे, उनको आसान कर्जे दे ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं और मुल्क की जो है सनती तरक्की में हिस्सा लें। इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए लोकल मार्केट्स में, लोकल मार्केट से मुराद ये है कि जो मुल्क की जो लोकल डोमेस्टिक जो मार्केट्स हैं उसमें जो जो बाहर की जो कंट्रीज की प्रोडक्ट्स है, अगर मुल्क भी वही प्रोडक्ट्स बना रहा है तो बाहर की जो प्रोडक्ट्स है उनकी नफी करनी चाहिए, बल्कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और बाहर की प्रोडक्ट्स को कम प्रमोट करना चाहिए ताकि जो मुल्क की इंडस्ट्री है उसका तहफ्फुज़ हो सके। साथ ही साथ मुल्क की जो इंडस्ट्री को जो वो चीज़ें बनाती है उसका एक्सेस होने चाहिए दूसरी कंट्रीज में, जिस तरह यूरोपीय यूनियन की मार्केट्स हैं, अमेरिका की मार्केट्स हैं, इनमें एक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको एक्सेस दे ताकि वो अपनी जो चीज़ें बनाकर वहाँ सेल आउट करें। जिस तरह पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं उसका जो है पूरी दुनिया में शोहरा है, यानी कि यूरोपीय यूरोप में और अमेरिका में और इस तरह की स्टेट्स में बहुत जो है एक्सपोर्ट्स जो चीज़ें स्पोर्ट्स की चीज़ें जाती हैं। साथ और भी चीज़ें जानी चाहिए जिस तरह टेक्सटाइल काफ़ी जाता है, इसी तरह पाकिस्तान की और प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो भी प्रमोट होनी चाहिए, पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं उनको भी बाहर एक्सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जी पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ मुआहदा करें उनको कहे कि बजाय हमें एड देने के हमारे साथ ट्रेड बेहतर करें, ट्रेड होगी तो मुल्क की जो सनत है मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। ट्रेड सबसे ज्यादा है ऑप्शन है इस, और ट्रेड अगर होगी तो बहुत सारे जो दुश्मन हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है अपनी दुश्मनी बुलाकर ट्रेड को फरोग देते हैं तो दोनों मुल्कों में सनती तरक्की भी होगी और जो अवाम है वो गुर्बत की लकीर से भी ऊपर आ जाएंगे और दोनों मुल्क जो है वो अमन में दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं, अमन भी आ सकता है। ठीक है जी, तो मुल्कों के साथ पाकिस्तान की तरजीह ये होनी चाहिए कि उनसे कर्जे लेने की बजाय उन्हें ये कहें कि हमारे साथ ट्रेड के मुआहदे करें, हमें टेक्नोलॉजी दें, हमें एक्सपर्ट्स दें ताकि हम आपके साथ ट्रेड को बेहतर बना सकें। पाकिस्तान के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं इनको प्रमोट करना चाहिए, बैलेंस लेकर आना चाहिए इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में ताकि जो तवाजन है इन दोनों के दरमियान बरकरार रहे, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा ना चढ़े। इम्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ता है, जितनी इम्पोर्ट्स होनी चाहिए कोशिश की जाए उतनी हमारी एक्सपोर्ट्स भी हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असूल पाकिस्तानी सनती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी मॉडर्न होगी। एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, जो आजकल मुल्क में ये तवानाई का बहरान है, इसको दूर करने के लिए हुकूमत को मतलब कि सर तोड़ कोशिश करनी चाहिए ताकि मुल्क की जो है इंडस्ट्रियल जो सनत है वो मजबूत और मुस्तहकम हो सके।
वोकेशनल और ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग देना चाहिए पाकिस्तान को, ये जो फ़नी तलीम के जो मराकज़ हैं और फ़नी तलीम जो है वो ये आम करनी चाहिए, ताकि ये जो जवान नस्ल हमारी जो पाकिस्तान में जो यूथ है इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में यूथ की है, इतने बच्चे और बूढ़े नहीं हैं जितने यूथ हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि इनको हुनर देकर इनको ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म किया जाए, जिस तरह चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाया है उनको फ़नी तालीम देकर। तो पाकिस्तान को भी चाहिए इनको फ़नी तालीम दी जाए, रिसर्च होनी चाहिए, पाकिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए ताकि डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च हो सके, सनती तरक्की पर रिसर्च हो सके, और लोगों को बाहर भेजना चाहिए वजीफे देकर ताकि वो हायर एजुकेशन हासिल करें और मुल्क में आकर सर्व करें। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं जी, अब पढ़ लेते हैं जी जी अब ये जो अब यहाँ तक जो टॉपिक था ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद अगर आपको कोई सवालात हैं टॉपिक्स का, अगर किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लेते हैं कर सकते हैं, ताकि हम जो है इस सिलेबस को मतलब कि वाइंड अप करें और फिर अब हम टेस्ट सेशन जो है वो शुरू करें। ठीक है जी, यहाँ तक आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप ग्रुप में मैसेज करें कि सर हमें ये सवाल है, और अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो तब भी आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी तक हमारा ये जो सिलेबस है ये मुकम्मल हो चुका है, अब हम टेस्ट सेशन का आगाज़ करेंगे। और टेस्ट सेशन में क्या होगा जी, हम दो दो यूनिट्स करके दो दो टॉपिक्स करके आपके टेस्ट रख लेते हैं, साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मैं ले लूँगा किसी एक एक टॉपिक पर, वो भी आपको मतलब कि हमें मुझे पता होना चाहिए कि आपके प्रेजेंटेशन के स्किल्स कैसे हैं, तो उसके भी उसको भी जांच लिया जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।